तो दोस्तों ये मेरे पास रियलमी का मोबाइल रियलमी 3 प्रो, और मैं आज इस वीडियो में दिखाऊंगा रियलमी का कोई भी सेट में आप पैटर्न लॉक कैसे यूज़ कर सकते हो। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन आता है रियलमी डिवाइस में हम कैसे पैटर्न लॉक इनेबल करें, रियलमी UI आने के बाद हम कैसे पैटर्न लॉक यूज़ करें, ये क्वेश्चन बहुत सारे आता था। इसीलिए मैंने सोचा एक वीडियो ही बना दूँ कि सबको पता चले कैसे पैटर्न लॉक इनेबल करें। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिसके अभी तक पता नहीं है, उनके लिए ही ये वीडियो है। तो दोस्तों एक नए वीडियो में फिर से आपको स्वागत करते हैं। मैंने देख लिया चैनल टेक्निकल एमडी, तो चलिए देख लेते रियलमी का कोई भी डिवाइस जो ColorOS 7 में, ColorOS 6 में या रियलमी UI में चल रहा है, सब में पैटर्न लॉक कैसे यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये मेरे पास रियलमी 3 प्रो है। रियलमी 3 प्रो में मेरे को ऑलरेडी रियलमी UI का अपडेट मिल गया है। तो आज हम इस वीडियो में दिखाएंगे कैसे आप पैटर्न लॉक लगा सकते हैं रियलमी किसी भी डिवाइस। वो ColorOS 6 में चल रहा है, ColorOS 7 में चल रहा है, ColorOS 5.2 में चल रहा है, रियलमी UI में चल रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। तो सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स में जाने के बाद फिंगरप्रिंट फेस पासवर्ड में जाइए, सेट लॉक स्क्रीन पासवर्ड में जाइए, लॉक स्क्रीन पासवर्ड। उसके बाद यहाँ पर बोलिए कंटिन्यू करने के बाद ये देखिए ऐसा आएगा जहाँ पे 6 डिजिट का पासवर्ड आप दे सकते हो। तो कुछ मत करना, यहाँ पे लिख देना अदर इनक्रिप्शन मेथड। देने के बाद आपको मिलेगा पैटर्न कोड, 4 टू 16 डिजिट पासवर्ड। पासवर्ड विद 4 टू 16 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर, तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है पैटर्न कोड। और अगर 4 डिजिट पासवर्ड करना चाहते हो यहाँ पर करना है 4 डिजिट। तो मैंने पैटर्न कोड यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया। फिर मैंने सोचा ऐसा देता हूँ और एक बार मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर ऐड हो गया है। अब फिंगरप्रिंट आप चाहे तो ऐड कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। अब देखिए यहाँ पर पैटर्न पासवर्ड हो गया। ये देखिए रियलमी का कोई भी डिवाइस में आप ऐसे पैटर्न लॉक यहाँ पर इनेबल कर सकते हैं, पैटर्न लॉक का यूज़ आप यहाँ पर कर सकते हो। तो दोस्तों इसी तरह से आप रियलमी का कोई भी डिवाइस में आप पैटर्न लॉक इनेबल कर सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हो, 4 डिजिट का भी आप कर सकते हो। तो ये रियलमी 3 प्रो रियलमी UI में चल रहा था, तो सेम प्रोसेस रियलमी जो सेट ColorOS 6 में चल रहा है, जो सेट 5.2 में चल रहा है, सारे चीज़ों में ऐसा ही करके आप यूज़ कर सकते हो पैटर्न लॉक का फीचर। तो दोस्तों यही था पैटर्न लॉक के बारे में वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, मेरे चैनल पर नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो रोज़ लेकर आता हूँ। तो दोस्तों जितने बाय।